अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। मैंने आज आपके साथ एक कहानी शेयर करनी है, मेरी एक पर्सनल कहानी है। ये वाकया ऐसा है कि इट रियली मेड माई हार्ट, यानी कि मेड मी हैप्पी। ठीक है, एंड छोटी ऑलमोस्ट छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। सो ये वाकया तकरीबन 3-4 महीने, 2-3 महीने पहले मैं पाकिस्तान में था, एंड जो ट्रिप था वो छोटा सा मखसूस सा ट्रिप था। एंड आपको पता होगा कि आई हैव दिस थिंग जो मैं करता हूँ फॉर एवरीबडी, इनफाक आईटी सेंटर्स जो 18 अब 19वां खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह इन बिम्बर सिटी, बट 19 लोकेशंस हैं जहाँ पे हम आईटी सिखाते हैं। ओके, आईटी इज पहले फ्री हुआ करती थी, बट नाउ अब हम थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। एनीवे, कहानी क्या हुई थी कि हमारा जो सबसे बड़ा सेंटर है ना, वो उस वक्त एक्सपैंड हुआ था, जो हमारा हेडक्वार्टर था ना वो एक्सपैंड हुआ था। एक्सपैंड कई 100 कंप्यूटर उस पर लगे थे, कई बड़ी क्लासेस खुली थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड हमने उसको लाइक ऑलमोस्ट कॉलेज जैसा मेगा सेंटर बनाना था, एंड वो तकरीबन बन चुका था, बट मैंने देखा नहीं था। एंड मेरे दिन घुसते जाते बिकॉज़ आई वेंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ईद वगैरह आपने देखा होगा वीडियोस, उसके लिए गया था, वो ईद गुजारी, वो पार्क रन की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर चंद दिन रह गए तो मैं अली भाई को फ़ोन करता हूँ, और अली भाई मुझे भी कह रहे हैं कब आएंगे। एंड आई डिडंट वांट टू लीव पाकिस्तान विदाउट एक्चुअली व्यूइंग द सेंटर्स, या वो हाथ सेंटर मैंने देखना था। तो 5 बजे वो बंद होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है मैं बड़ा टाइम का बंद किस्म का बंदा हूँ। 5:15 पहुँचा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम, तो 5:15 में पहुंचा। 5 बजे सब स्टाफ चले गए थे, स्टूडेंट्स वगैरह चले गए थे। पूरे सेंटर में ना एक बंदा था जो रिसेप्शन पे होता है, और एक अली भाई थे बड़े से, जो सबसे बड़ा हमारा ऑफिस है उसमें बैठे हुए थे। मैं गया उनसे मिला, इट्स ऑलवेज नाइस टू सी अली भाई माशाल्लाह। एंड फिर क्या हुआ कि हमने बात करना शुरू कर दी। और हम कहाँ पे बैठे थे, हम किसी फॉर्मल जगह पे नहीं बैठे थे, इनफॉर्मली बैठे हुए टेबल में आके किया। अली भाई पैर ऊपर करने, अली भाई कहते हैं नहीं मैंने ऊपर किए हुए, लोग फ्री है अली भाई के साथ। सो 3 गेस्ट चेयर्स होती हैं जहाँ पे गेस्ट बैठते हैं, एक यहाँ पे, एक जिसमें मैं बैठा हुआ, एक अली भाई यहाँ पे होते हैं। सो अली भाई और मैं यहाँ पे बैठे हुए एंड वी टॉकिंग कि अचानक तकरीबन 10-15 5:30 कह लो, एक बंदा आता है, यंग जवान, 25-26 उस बंदे की उम्र होगी। एंड वो आता है एंड हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं ना, सारे शीशे की दीवारें बनी हुई हैं, सो यू कैन सी राइट थ्रू। आप रिसेप्शन तक देख सकते हो, अगले दफ्तर में देख सकते हो, क्लासेस में देख सकते हो, एक्सेट्रा। तो बंदा चलता आता है, हमें देखता है, ज़ाहिर रिसेप्शन से उसने पूछा होगा कि मैंने किसी से बात करनी है, उन्होंने इस तरफ भेज दिया होगा। तो आते आते ना यहाँ पे जो दरवाज़ा है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, इजाज़त मांगते हैं, अभी सी आ जाइए बात करिए। कहते हैं जी मैंने ना, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मालूम चाहिए अबाउट योर आईटी कोर्सेज। तो मैंने बोला कौन सी, कहते हैं कि मेरा सिचुएशन ये है कि मेरे पास डिग्री है और मुझे अभी भी गवर्नमेंट की जॉब मिली है, लेकिन मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। देख लीजिए अगेन भोंकते जा रहा हूँ कि फजूल डिग्रियाँ छोड़िए, आपके काम की नहीं है। एनीवे, इस बंदे को अल्लाह बेहतर जानता है कि इस तरह गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, राइट, डन। अब इसकी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट होनी है, लेकिन इस बंदे को कंप्यूटर नहीं पता। सो व्हाट ही इज डूइंग इज कि पहले तो इस बंदे ने समझ लो हजारों लाखों खर्चे होंगे टू गेट द डिग्री, अब इस बंदे को खर्चने पड़ते हैं टू गेट आईटी ट्रेनिंग। कहते हैं मैं फला स्कूल तक गया हूँ और कॉलेजेस पे गया हूँ, हमारे वहाँ पे इलाकाई सेंटर्स हैं और आपका भी सुना हुआ, किसी ने रेकमेंड किया तो मैं आया हूँ, तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। सिचुएशन ऐसा था कि मैं ऐसे पीछे हुआ और अली भाई को इन दोनों के आपस में बातचीत हो रही थी, एंड दे वर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। भी भाई पूछ रहे थे कि आपकी कोर्स कितनी लंबी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अली भाई इनको बताते हैं कि जी हमारी कोर्स 7 दिन की है, लेकिन एक चीज़ हमने सीख लिया कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा 7 दिन में मुकम्मल करे। हमारा जो कोर्स लीडर है वो हर बंदे की अपनी पेस देखता है, अपनी स्पीड देखता है। कुछ लोग चंद हफ्तों में फिनिश कर देते हैं, कुछ चंद लोग महीने में, कुछ चंद लोगों को पूरे 7 दिन की जरूरत होती है एक्सेट्रा टू लर्न इट। आईटी ऐसी चीज है। सो बंदा अगेन मैं देख रहा जानू कि यार ये बंदा ना उछलता रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ना उछल रहा है, रानी इसके जो कदम है ना, यानी जब बंदे किसी को खुश देखते हो आप भी खुश हो जाते हो। सो फिर बात आती है प्राइस पे। अली भाई कहते हैं, अली भाई की कहने की बात थी, एंड पहले प्राइस से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम ये फ्री हुआ करती थी चीज़, लेकिन लोग जो है ना अप्रिशिएट नहीं करते। मैंने एक चीज़ देखी है पाकिस्तान में, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में नहीं, सॉरी हर जगह पे होता है, जब भी आप कोई चीज़ फ्री देते हो लोग उसकी कदर नहीं करते। सो हमने एक प्राइस लगाई। सो ऐसे मैं बैठा हूँ, अली भाई यहाँ से कहते हैं 500 रुपीज, और आप इस बंदे को देखिए, ऑनेस्टली ये इतना खुश हो रहा है जिस तरह, यानी इस बंदे ने कोई टोकरा उठाया कितने, यानी 3-4 40 किलो एक मन वाली बोरियां उठाई आटे की, इज जस्ट पुट इट डाउन और ये सांस ले रहा है, सो हैप्पी, जो कोई बोझ नहीं उतर जाता। फिर इस टेल्स अस स्टोरी, अपनी कहानी बताते हैं, अपनी कहानी क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन कॉलेजेस और नाम लेते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू शेयर दिस विद यू, हम जानते हो कौन से, ठीक है। कहते हैं कि फलां फलां जगह से मैं होके आया हूँ, एक दोनों की हालत यह है कि कंप्यूटर्स यानी आर नथिंग, एक पे 6 है, दूसरी स्टोरी पे है ना एसी है, ना बिजली है, नथिंग ना लाइट है।
आपको पता है हाउ दिस इज द कॉलेजेस वर्क, ठीक है, किसी का प्राइवेट एंटरप्राइज होता है, मैं बुरा भला नहीं कहता, बट दैट्स द सिचुएशन। और वहां पे खड़े हुए यू कैन सी एवरीथिंग, हमारे कई सो वो देख सकते हैं, क्योंकि अगेन मैंने बोला शीशे की दीवारें होती है, एंड इट्स लाइक जस्ट जंपिंग यार। एंड बड़े कहते हैं एक जगह पे मुझे 13,000 बोला गया, एक जगह पे 10,000 मांगा गया, एंड दोनों 6 महीने की कोर्सेज थी। एक तो यार आईटी सिखाने के 6 महीने, एक तो 60 दिन में आप सिखाते हो। रिमेंबर इस बंदे को जॉब करनी है, जल्दी जल्दी सीखना है, 2 हफ्ते में सीख सकता है, 3 हफ्ते यस टू गेट टू दिस जॉब। अब जॉब पे पहुंचेंगे, वहां पे आईटी नहीं जानते, कौन सा दफ्तर रह गया यार पाकिस्तान में जहां पे आप जा सकते हो गवर्नमेंट के, और आपको यार कंप्यूटर से वास्ता नहीं पड़ता, कंप्यूटर से टाकरा नहीं पड़ता। And that was worth it. इतनी जो हम मेहनत की है हमने कई सालों से, and all this effort we put into it financially, यानी labor, दिल लगा के, the सोच, the जो हमें regrets होती है, जो लोगों ने हमें यानी वो bureaucracy में से गुजारा है कि आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, etc. It was all worth it. बंदा ये पूछता जरूर है कि जी ये कोई गवर्नमेंट की चीज़ है या क्या है, हिसाब किताब है, तो अली भाई क्लैरिफाई कर देते, नहीं ये प्राइवेट है, लेकिन यार अंदर से ना माई हाउ वॉज लाइक ओह मैन इट्स वर्थ इट। वो जो जितने वो जो दुख देखने पड़े ना, देखने इतने ही पड़े यार, अभी मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट जितने वो जो होते ना, यानी जो इट्स वर्थ इट, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। सो यही कहना था दैट एज अ बिजनेसमैन दिस इज समथिंग आई डू। अब मैं क्यों चलाते हैं आईटी सेंटर, बिकॉज यार एज अ बिजनेसमैन जरूरी नहीं है कि सारा जो पैसा है सारा माल इसी दुनिया में इकट्ठे करते रहो, जब आखिरत में पहुंचोगे, आखिरत वाली लाइफ में पहुंचोगे, तो आप कंगाल पूरे जैसे ना अपनी जेब निकाल के आ जाए, हमारे पास कुछ नहीं है। यू हैव टू फाइल समथिंग। जो क्लेवर बिजनेसमैन होता है ना, यहाँ पे भी इकट्ठे करता है, वहां पे भी इकट्ठे करता है, लेकिन वहां पे इकट्ठे करने का तरीका होता है कि यहाँ पे खर्चने पड़ते हैं इन दीज रूट्स टू एक्चुअली गेट इट। सो अब ये बंदा अगले इंशाल्लाह 10-20-15 लंबी जिंदगी दे, आई मीन 10-20-15-30 साल जब गवर्नमेंट के उसमें लगेगा, इदारे में लगेगा, तो कितने बंदों के काम आएगा। नया ब्लड है, होप कि वो गलत रास्ते पे नहीं चढ़ते, बट आई होप कि वो यार कितने बंदों की मदद करेगा, एंड हमारे आईटी स्किल इस्तेमाल करके अपनी हलाल की रोजी कमाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे बंदे को बुरा तो नहीं सोच सकते, सो हलाल की रोजी कमाएगा, एंड उसका अजर किसको जाएगा, हमारी पूरी टीम को जाएगा, हर एक बंदे को बराबर का हिस्सा जाएगा। एंड दिस वो हिस्सा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो नहीं हमें अजर मिलेगा जी जेब में डालो, आखरत में जब हम मरना तो लाजमी है, ये कहते इंशाल्लाह मरना तो लाजमी है, when we die at least we'll be waiting for that, waiting for us over there, ठीक है। सो that's the kind I wanted to share with you, just made me really really happy। आप भी अगर बिजनेसमैन हो, सक्सेस अगर अल्लाह ने आपको दी है एनी लेवल की, कुछ ना कुछ डू समथिंग बैक फॉर द कम्युनिटी। कम्युनिटी आपको, आप उस पर तो ना रखिएगा, कम्युनिटी अप्रिशिएट करेगी, या कम्युनिटी आपको दाद देगी, या कम्युनिटी आपको थैंक यू बोलेगी, लेकिन जो कम्युनिटी को पैदा करने वाला है ऊपर, ही डेफिनेटली राइट इट इन द राइट हाना, ठीक है, राइट किताब पर लिख देंगे इंशाल्लाह आपके लिए। सो एंड आपके लिए वो जर इंतजार कर रहा होगा। दैट्स इट, आई होप कहानी आपको पसंद आई है। एंड चायवाला.com, अगर आप अभी तक नहीं गए तो जरूर जाइएगा, इट्स फॉर एवरीबडी। चायवाला.com है क्या, चायवाला.com एक फोरम है जहाँ पे मैंने, मेरी कोशिश है कि हजारों बंदे इकट्ठे करूँ, बिजनेसमैन इकट्ठे करूँ, जो आपस में बात कर सकते हैं, यानी अपने इलाके में से आपको मिले, एंड दे हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज, और खुद भी बिजनेस सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, जो आपको उनको आता है वो दूसरों को सिखाएं, और दूसरों से अपने बिजनेस के मतलब बात करें। जब मैं हजारों बंदे इकट्ठे कर दूंगा, इट विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक, आपको कोई भी एडवाइस चाहिए यार, हायर किस तरह करते हैं बंदा, यार फायर किस तरह करते हैं, यार इस सिचुएशन में क्या होता है, यार इस सिचुएशन में क्या होता है, फ्लां का टैक्स कितना है, फ्लां मशीन कहाँ से मिलती है, दैट्स द होल पर्पस ऑफ चायवाला.com। सो अगर आप अभी तक साइन अप नहीं हुए तो गो टू चायवाला.com एंड साइन अप। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप फराख दिल आज यानी अपने को महसूस कर रहे हैं, फराख दिल मूड में हूँ, तो दोनों भी आप कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो इंशाल्लाह। यू नो आजाद भाई को भी कभी कभी ना धक्का चाहिए, कभी हमारा दिल होश हो जाता है यार कि समबडी एक्चुअली अप्रिशिएटेड व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। मैं वो अच्छा वाला अपना ख्याल रखिएगा, अगेन लास्ट टाइम अस्सलाम वालेकुम।